पांचाल नरेश द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी पुत्री प्रदान करो जो पीड़ा सह सके लेकिन कभी टूटे नहीं। यदि उसके साथ अन्याय भी हो तो वो न्याय का उदाहरण प्रस्तुत करे, जो पवित्र हो, पावन हो, धर्मपरायण हो और कुल का गौरव हो। तब उसी यज्ञ कुंड की अग्नि से ऊर्ध्वगामिनी चेतना रूप पंचाग्नि की साकार और सजीव मूर्ति उत्पन्न हुई, द्रौपदी। अलौकिक सौंदर्य नारी के स्वाभिमान से मंडित और नारी शक्ति का दीप्त प्रतीक, द्रौपदी। प्रतापी पांडवों की पत्नी, श्री कृष्ण की सखी, गुरुराज वधू, जो कृष्ण वर्ण की होने के कारण कृष्णा भी कहलाई। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार पूर्व जन्म में सर्वगुण संपन्न पति की कामना करने वाली ऋषि पुत्री ने शिव से वरदान प्राप्त किया और वही अगले जन्म में द्रौपदी हुई और पांच पतियों की पत्नी बनी। व्यावहारिक विचारों के साथ द्रौपदी ने तेजस्विनी और ओजस्विनी बनकर कौटुंबिक और राजधर्म का पालन किया तथा राज्य कर्म में उचित सलाहकार भी बनी। सर्वं राज्ञः समुदय मायं च व्ययमेव च एकाहं वेद्मि कल्याणी पांडवानां यशस्विनी। किंतु सर्व सुख योगी होकर भी कष्ट भोगी द्रौपदी का जब संवेदनाओं से हीन कौरवों की सभा में चीरहरण का अमानुषी अत्याचार हुआ, तब उसने पक्षपात पूर्ण आचरण के लिए कुरुवंश के बड़े और पूजनीय लोगों को भी अन्याय का साथ देने और न्याय विरुद्ध आचरण के लिए क्रोध और पीड़ा के साथ झड़कने में संकोच नहीं किया। धिगस्तु नष्टः खलु भारतानाम धर्मस्तथा क्षत्र विदाम च वृत्तम यत्र यतीताम कुरु धर्म वेलाम प्रेक्षन्ति सर्वे कुर्वह सभायाम द्रोणस्य भीमस्य च नास्ति सत्वम क्षत्तुस्तथैवास्य महात्मनोऽपि राज्ञस्तथा हीममधर्ममुग्रं न लक्षयन्ते कुरुवृद्ध मुख्याः। उसका यही अपमान कौरवों के सर्वनाश का कारण बना, क्योंकि उसमें सहन शक्ति भी थी और दहन शक्ति भी। दहन शक्ति से मूल्य चुकाती नारी नर की जय का है, नारी की सहन शक्ति में संचित केतु विजय का। पंच तत्वों के प्रतिरूप पांडवों में चैतन्य की ज्वाला भरने वाली प्रेरक शक्ति और अपनी तेजोमय आभा से कर्म की ओर प्रेरित करने वाली जीवन शक्ति है द्रौपदी। महाभारत की धुरी और यज्ञ कुंड से जन्मी द्रौपदी में अन्याय के प्रति विद्रोह भी था तो करुणामय क्षमा भाव भी, इसीलिए उसने जयद्रथ के प्राणों की रक्षा की, अश्वत्थामा को अपने पुत्रों के वध के लिए क्षमा दान भी दिया। उसके अनंत संताप में ही उसका बल था, इसीलिए कभी अपना विश्वास उसने डगमगाने नहीं दिया। वो अपनों से भी लड़ी और अपनों के लिए भी। जीवन की रणभूमि में कौरवों के दर्प को कुचलने और सत्य तथा न्याय का पक्ष लेने वाली द्रौपदी अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बनी।
भारतीय संस्कृति के इतिहास में जब भी अन्याय और अधर्म से संघर्ष और नारी के आत्मसम्मान की बात होगी, उल्लेख की प्रथम पंक्ति में खड़ी होगी आत्मविश्वासी, साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ द्रौपदी।